नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सोयाबीन से पुलाव बनाएंगे, तो ये वन पॉट रेसिपी है और कढ़ाई में बहुत खिले खिले पुलाव बनाएंगे हम, तो आइए बनाते हैं इसे हम। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी बासमती राइस लिया है। तो आप सेम कटोरी रखें मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि पानी हमें इसी से नाप कर डालना है और चावल को हमें धोकर रख लेना है, सोख नहीं करना है। एक कटोरी मैंने सोयाबीन बड़ी ली है, तो इसे भिगो करके पानी निकाल करके रख लिया है। एक आलू है, दो टमाटर है और एक प्याज है, इन्हें बहुत बारीक नहीं काटना है। मसालों में ये देखिए, इलायची ली है, 3-4 काली मिर्च है, थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक है, 1 चम्मच जीरा है और ये 2 तेज़पत्ता है। तो एक कढ़ाई में देखिए हम घी गरम करेंगे। आप घी में ही बनाइए चावल, तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये घी या ऑयल गर्म होने पर इसमें हम तेज़पत्ता और खड़े मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए, जैसे मसाले तड़केंगे हमारे, हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को बहुत हल्का ही कुक करेंगे, बहुत ब्राउन नहीं करेंगे। और उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। तो देखिए, आलू के हमने बहुत बारीक नहीं पीस किए हैं, थोड़े अच्छे ही बड़े काटे हैं। तो इन्हें हम अब 5 मिनट तक कुक करेंगे, तो इसके लिए आप ढक दीजिए और 5 मिनट हम हाफ कुक होने तक आलू को पकाएंगे। बाकी ये चावल के साथ पकेगा। तो देखिए, आलू भी हाफ कुक हो गया। अब चावल को धोकर मैंने रेडी कर लिया है पानी सुखाकर, और अब इसे घी और आलू और प्याज के साथ कुक करेंगे। तो चावल जितना अच्छा घी में पकता है, उतनी ही अच्छी खुशबू आती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम घी में अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, आपको टीवी मिर्च डाल सकते हैं, और टमाटर डाल देंगे और सोयाबीन डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और जिस कटोरी से हमने चावल लिया था, तो एक कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी और थोड़ा सा पानी हम आधी कटोरी से भी कम आलू और थोड़ा सोयाबीन के हिसाब से डाल देंगे। बाकी एक कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी लगता है, लेकिन सब्जियाँ भी हैं तो थोड़ा सा पानी हम एक्स्ट्रा डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो देखिए, बहुत ही कम मसाले हैं, सिर्फ चिली फ्लेक्स हैं और नमक है, और बहुत टेस्टी पुलाव बनेंगे। तो इन्हें सबको मिलाकर अब हम ढक देंगे और 5 मिनट इसे कुक करेंगे, जब तक कि ये बॉईल होता है। देखिए, 5 मिनट में ये बॉईल हो गया, थोड़ा पानी कम हो गया है। इसे हम 5 मिनट के बाद फिर से मिला देंगे, ताकि सब चीज़ें आराम से मिल जाए। और इसे अब हम गैस को कम करके वापस रख देंगे, और आप चाहें तो और घी डाल सकते हैं, यहाँ उससे चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। इस बार गैस लो है और फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे ढकेंगे। अब देखिए, 5 मिनट के बाद ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, लेकिन इसे हम कवर करके 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। 10 मिनट में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे इतना टेस्टी और खिला खिला पुलाव बन जाएगा। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए कितना खिला खिला पुलाव बना है। एक ही कढ़ाई में हमारा ना चावल बॉईल करने हैं हमें, और इतने अच्छा सोया आलू पुलाव बन के रेडी हुआ है। ये वन पॉट रेसिपी है, कुछ और साथ में आपको ज़रूरत ही नहीं है खाने की। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम इसमें। तो इस तरह से आप ये पुलाव बनाइए,